आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, मेरे पास एक प्रश्न है जिसमें एक समाकलन करना है 0 से पाई बटे 2 तक 1 बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 से पाई बटे 2 तक करना है डी एक्स बटे ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मैं क्या करता हूँ कि ऊपर नीचे इसको कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देता हूँ, तो हो जाएगा 0 से पाई बटे 2। ये ऊपर जब कॉस स्क्वायर एक्स से एक को भाग करूंगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। अब चूंकि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना जो मेरा टेन एक्स है वो बराबर है टी के, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी के। ऐसे और दूसरी बात ये कि चूंकि यहाँ पे x अगर 0 होगा तो मेरा t जो हो जाएगा वो 0 होगा, और x मेरा अगर पाई बटे 2 होगा तो मेरा t जो हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा, क्योंकि tan जो पाई बटे 2 होता है वो अनंत के बराबर होता है। जैसे 0 से अनंत ये हो जाएगा dt टी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा tan की जगह t स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे बी स्क्वायर में बाहर लूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बटे बी स्क्वायर 0 से अनंत, और ये हो जाएगा डी टी बटे ए बटे बी की घात 2, और ये हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर। अब मुझे एक फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या है कि अगर मैं समाकलन करता हूँ 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स का, तो ये हो जाएगा 1 बटे ए टेन इनवर्स एक्स बटे ए। इस फॉर्मूले का मैं प्रयोग करूंगा यहाँ पे, तो ये हमें याद रखना है। चलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका समाकलन करूंगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 बटे ए, ए यहाँ पे क्या है ए बटे बी के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 बटे ए बटे बी, तो ये हो जाएगा बी बटे ए, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे टेन प्रतिलोम, फिर यहाँ पे एक्स एक्स मतलब यहाँ पे टी है और बटे ए, ए मतलब ये हो जाएगा बी बटे ए, यहाँ पे ये है अनंत और ये है जीरो। चलिए यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको जब ब्रैकेट खोल दूंगा तो बी से एक भी कट जाएगा, तो हो जाएगा एक बटे ए बी, और यहाँ पे जब मैं अनंत लिखूंगा तो हो जाएगा टेन प्रतिलोम बी बटे ए गुणे अनंत है, तो टेन प्रतिलोम अनंत हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा टेन इनवर्स जीरो। तो यहाँ से अगर देखो तो हो जाएगा ए बटे बी, और टेन प्रतिलोम अनंत पाई बटे 2 होता है और ये होता है जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई बटे 2 ए बी, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। चलिए मैं ऑप्शन में देख लेता हूँ, तो ऑप्शन में पाई बटे 2 ए बी ये वाला सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।